अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मच्छरों को बिना स्प्रे के भगाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मच्छर लौंग और रसीले फलों की खुशबू को नापसंद करते हैं, लिहाजा ये टोटका उनको भगाने के लिए बेहतरीन है। इसके लिए एक लीमू को आधे हिस्सों में काट लें और लौंग को लीमू के इन दोनों हिस्सों में रख दें। मच्छरों को भगाने के लिए इन लीमुओं को घर के कोनों में रख दें। मच्छर लहसुन की बू से भागते हैं क्योंकि इसमें सल्फर मौजूद होता है। लहसुन की इस खुशबू की वजह भी सल्फर ही है। इस स्प्रे को बनाना बहुत आसान है। लहसुन के चंद जव्वे लेकर उन्हें अच्छी तरह से पीस लें और इन्हें पानी में बॉयल कर लें। आपने जितना स्प्रे बनाना हो उतना पानी डाल के बॉयल कर लें। इसके बाद इस मिक्सचर को स्प्रे की बोतल में भर कर कमरों में स्प्रे करें, मच्छर गायब हो जाएंगे। सेब का सिरका मच्छरों को भगाने के लिए चंद घरेलू टोटकों में से एक है। अगर इसे एक या दो दीगर अज्जा के साथ मिलाया जाए तो ये एक ताकतवर स्प्रे बन सकता है। इस स्प्रे को तैयार करने के लिए एक छोटे प्याले में सेब का सिरका और हेज़ल को बराबर मिकदार में मिक्स करें और इस स्प्रे को खिड़कियों और दरवाज़ों पर काफ़ी मिकदार में स्प्रे कर दें। अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो इसे पकाने से 10-15 मिनट पहले लीमू का रस और सिरका लगा कर रख दें, फिर घी में तलकर मसाला डालकर पकाएं। थोड़ी सी इमली पानी में भगो दें। थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब मसल लें और इस इमली वाले पानी से कांच के या पीतल वगैरह के बर्तन धोइए और खूब रगड़ें, बर्तन चमक उठेंगे। हाथी दांत से बनी हुई मसनूआत अक्सर जर्द पड़ जाती हैं, ऐसी चीज़ों को शीशे के मर्तबान में रख कर सूरज की शुआओं के सामने रख दें, इनकी जर्दी ख़त्म हो जाएगी। बेडशीट को कलफ लगाकर बिछाने से सिलवटें नहीं पड़ती और ज़्यादा दिन तक साफ़ रहती है। अगर कपड़ों पर चकनाहट लग जाए तो उस पर खूब पाउडर छिड़क कर इस्त्री कर लें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें। ब्राउन शुगर को देर तक महफूज रखने के लिए हमेशा फ्रिज में रखें। अगर आपके फ्रिज में फफूंदी लग गई हो तो सफ़ेद सिरके में पाउडर मिलाकर अपने फ्रिज की सफाई करें, इससे फफूंदी भी साफ़ हो जाएगी और दोबारा नहीं लगेगी। अगर आपके किचन की दीवारें या शेल्फ चिकनाई से भर गए हों तो सबसे पहले उन्हें थिनर से साफ़ करें, फिर कोई नरम तौलिया लेकर बेकिंग पाउडर से सफाई करें, जमी हुई सारी चिकनाई उतर जाएगी। अगर बालों में च्युइंगम चिपक जाए तो इस जगह पर थोड़ा सा शहद लगाएं और कुछ देर बाद धो लें, इस तरह आपके बालों से चिपका हुआ च्युइंगम आसानी से उतर जाएगा। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है रोज़ाना खजूर खाएं, इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी उनके लिए बेहतरीन है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, यह मोटापा कम करने का बायस बनती है। अगर बच्चों के पेट में दर्द हो तो उनके नाफ पर गर्म हींग लगाएं, लेकिन डॉक्टर को भी ज़रूर चेक करवाएं, इससे उनके मेदे का दर्द चला जाएगा। आटे में अक्सर सूंडियाँ या कीड़े पैदा हो जाते हैं तो चंद पत्ते लेकर नीम के चंद पत्ते आटे के ऊपर और नीचे डाल दें, इससे सूंडियाँ और कीड़े पैदा नहीं होंगे। प्याज को कूटकर सूंघने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। हाथों में जब कभी स्याही के धब्बे लग जाएं तो लीमू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे दूर हो जाते हैं। लीमू को अगर किसी कांच के बर्तन के नीचे ढक कर रखा जाए तो लीमू कई दिनों तक ताज़ा रहते हैं। अगर पलंग और कुर्सियों में खटमल आ गए हों तो उनके नीचे कपूर और अजवाइन की छोटी छोटी पोटलियाँ बांध दें। नीम के सूखे हुए पत्तों को जलाने से मक्खियों और मच्छर भाग जाते हैं। घर में जिस जगह बहुत सारी चींटियाँ जमा रहती हों, अगर वहाँ पिसा हुआ सुहागा छिड़क दिया जाए तो देखते ही देखते चींटियाँ गायब हो जाती हैं। 2 लौंग 1 चम्मच चीनी के साथ पीस कर गर्म चाय के साथ दिन में 2-3 बार फांक लेने से जुकाम में फ़ायदा होगा, गले की खराश दूर होगी और सर दर्द भी दूर हो जाएगा। जब कभी आपको यह शक हो कि खाने में कोई जहरीला कीड़ा या ऐसी कोई चीज़ चली गई है जिसकी वजह से खाना जहरीला हो गया है, तो पकी हुई चीज़ को आग में डालकर देखें। अगर वो चटचटाने लगे या इसमें से नीले रंग की लिपटें निकलने लगें तो फौरन समझ लें कि खाना जहरीला हो गया है। घर में किसी जगह मिट्टी का तेल गिर जाए तो इस जगह को राख या सूखी मिट्टी से रगड़कर साफ कर दें, इससे तेल की बदबू जो है वो गायब हो जाएगी। जिस्म या दिमाग में सोते जागते झटके लगते हों तो पानी के एक कप में सोने की अंगूठी या सोने की कोई और चीज़ 21 मरतबा घुमाएं, फिर वो पानी दिन में 3 मरतबा पी लें। भुने हुए चने खाने से वज़न कम होता है, फाइबर की काफ़ी मकदार मिलती है,
आयरन की ताकत मिलती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और प्रोटीन भी वाफर मकदार में मिलता है। हड्डियों को ज़रूरी कैल्शियम मुहैया करने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार पालक ज़रूर खाएं। पालक में ना सिर्फ 25% तक कैल्शियम होती है बल्कि ये फाइबर, आयरन और विटामिन ए से भी भरपूर होती है। नींबू का ताज़ा रस 1 चाय का चम्मच और अरके गुलाब 2 चाय के चम्मच दोनों को रोज़ाना मिलाकर रख लें और रोज़ाना फजर के वक्त यानी नहार मुँह और सोते वक्त दांतों पर लगाने से मुँह की बदबू दूर हो जाती है, जबकि मसूड़ों के ज़ख्म वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। खांसी का मुकाबला करने के लिए दूध में चुटकी भर हल्दी का सफूफ शामिल करके उसे पी लें। हल्दी मिला हुआ यह दूध बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। हल्दी और दूध वैसे भी सेहत बख्श गिजाएँ हैं जो जिस्म को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।